गुजरात के अहमदाबाद में मजदूरी के लिए गए एक ही परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। सभी मजदूर मध्य प्रदेश में गुना जिले के बेरवास गांव के रहने वाले थे। हादसे की वजह, जब शवों को शमशान घाट ले जाया जा रहा था तो बरसात के मौसम में कीचड़ की वजह से गांव वालों को अत्यंत समस्या का सामना करना पड़ रहा था, तब जाकर शवों को शमशान घाट तक पहुंचा पाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा किए हुए कार्यों का तब खुलासा होता है जब किसी जगह कोई दुर्घटना घटित हो जाती है। बैरवास गांव में जिन जगह शवों को जलाया जाता है उस पर टीशन उपलब्ध नहीं था। ये जानकारी जब प्रशासन के अधिकारियों को लगी तो उन्होंने रातों रात टीशन चढ़वा दिए। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में हमें भी किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमें भरण पोषण के लिए अपने ही गांव को छोड़कर दूसरी जगह मजदूरी करने जाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि सरकार एक तरफ विकास के वादे करती है, दूसरी तरफ देखा जाए तो विकास के कार्य अधिकारी यहां पर नजर नहीं आते। कुछ गांव तो अभी भी ऐसे हैं जिन गांव में ना मंत्री आते ना ही प्रशासनिक अधिकारी। जब किसी जगह घटना हो जाती है तब सहायता राशि और कुछ सुविधाएं पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवा दी जाती है, तो क्या किसी इससे पहले गांव में क्या विकास कार्य हुए या नहीं, इसके देखरेख का सर्वे किया जा सकता है? सरपंच सचिवों के विकास कार्य का हिसाब कौन लेगा? मनरेगा का काम होता है तो यहाँ पे आप लोगों को मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती? रोजगार गारंटी का कोई गारंटी नहीं है साहब। काम जी का जी कर लिए हैं मशीनों से और अपने पंचायत में काम पंचायत में नहीं। तो आप लोग कहाँ जाते हो मजदूरी करने? मजदूरी खुद हमारा बच्चा गया सब अभी आया, एक तो आज ही आया इसके बाद तो गया। हाँ तो यहाँ पे आप लोगों को मजदूरी मिलती है सर? किसी को नहीं मिलती। सरपंच वगैरह कुछ बोलते हैं आप? मांगते ये जाने सब सरपंच का तो मेरे को रोजगार है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं टोटली। ये बात है तो जी वहाँ पे मनरेगा का काम होता है तो आपको बुलाते नहीं? मशीन से होता है, कोई काम नहीं है, मजदूर का तो कोई काम ही नहीं है। फिर आप लोग कहाँ जाते हैं मजदूरी करने? बाहर जाते हैं सर। मैं भी 3 साल गुजरात रह के आया हूँ अहमदाबाद। आगे सुने सर, यहाँ पे उनकी जो अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्थाएँ की गई थी और जैसा कि आप देख पा रहे हैं विधि अनुसार जो अपना होता है उसके अनुसार अंतिम संस्कार हो चुका है और जो पात्र हितग्राही हैं उनको संबल में 4 लाख की घोषणा शासन द्वारा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ने घोषणा करी हुई है और जो संबल में पात्र हैं उन्हें भी मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है पैसे की, तो उन्हें भी पैसा मिलेगा। अब उनके परिवार से एक सामान्य स्थापित करके अभी देखते हैं शासन के अंदर स्थापित है। हाँ देखने को मिला है कि मुक्ति धाम तक सबों को ले जाने के लिए सड़क तक की व्यवस्था नहीं है, यहाँ ये नाले के बगल से लेके गए हैं और रात ही रात में 3 सेट चढ़ा हुआ है, तो ये कहाँ तक ये सही है? और देखता है कि मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी कर, क्या इन्हें यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता? नहीं रोजगार मिलता है, शासन के जो दिशा निर्देश हैं मनरेगा में आपको 100 दिन का रोजगार मिलता है। यहाँ भी गाँव वालों से हम बात कर पा रहे हैं तो रोजगार 100 दिन का मिलता है, लेकिन अगर जो बाहर अच्छे रोजगार जैसे मिल पाते हैं, स्किल्ड लेबर है, अच्छा पैसा मिलता है, तो लोग अपनी स्वेच्छा से जाते हैं।